दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं बैंकिंग कस्टमर सखी बहनों के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। जैसा कि आपको पता है, जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण हेतु निर्देश भी दिया है। लेकिन दोस्तों बात यहां आती है कि क्या उत्तर प्रदेश के गोरखनाथ मंदिर में जो भी बीसी सखी बहनें पहुंची थी उनकी समस्याओं पर अमल किया जा रहा है। दोस्तों बीसी सखी महिलाओं की समस्याओं का समाधान किस तरीके से होगा, सभी बीसी सखी बहनों यानी कि सभी बीसी सखी के लिए क्या खुशखबरी आने वाली, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। निवेदन करते हैं, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों आपको बता दूँ कि स्मृति भवन के सामने जनता दर्शन में मुख्यमंत्री जी ने करीब 350 फरियादियों से मुलाकात की। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक खुद पहुंचे और समस्याएं सुनते हुए उनके प्रार्थना पत्र भी लिए। बताया गया कि सरकार की तरफ से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा भी दी जा रही है। और इतना ही नहीं, बिटिया को कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जो भी आपके बच्चे हैं उन लोगों को इस योजना के द्वारा सीधे तौर पर जोड़ा जाए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीसी सखी बहनों ने भी अपनी अर्जी लगाई और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है इस चीज़ को मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों ज़्यादातर बीसी सखी बहनें 75,000 रुपये ऋण को माफ़ करने के लिए और बीसी सखी बहनों को CSC के कुछ काम देने की अर्जी लगाई थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बीसी सखी बहनें नियमित तौर पर मानदेय भी मांगने की इच्छा जताई हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार भी इस पर गहन विचार कर सकती है ताकि आने वाले समय में जो भी कुछ निर्णय लिया जाए उस निर्णय को आपको नियमित तौर पर जारी रखा जाए यानी कि बरकरार रखा जाए। दोस्तों जैसा कि पता है बीसी सखी बहनों का जो भी 21 अक्टूबर 2021 को जो भी नोटिस आया था उस नोटिस में लिखा गया था कि आपको 75,000 रुपये को 4% वार्षिक ब्याज की दर से वापस करने हैं, लेकिन अभी तक किसी बीसी सखी बहनों ने नहीं दिया। हालांकि बैंकों ने इस चीज़ का नोटिस बीसी सखी बहनों के समूह खाते में समूह अध्यक्ष को दिया जा चुका है। दोस्तों इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है कि आपको नियमित तौर पर मानदेय दिया जाएगा या जन सेवा केंद्र का कुछ काम दिया जा सकता है, इस चीज़ को देखने लायक होगा। दोस्तों मुझे लगता है कि इलेक्शन यानी कि चुनाव से पहले ही कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं और इतना ही नहीं, क्या पता आपको मानदेय भी नियमित तौर पर दिया जा सकता है। लेकिन ये मेरे खुद के विचार हैं। ऐसा मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो भी संविदाकर्मी है उन चीज़ों को सरकार के द्वारा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अतिरिक्त मानदेय या कहीं ना कहीं उनको अतिरिक्त काम देने के बाद मानदेय दिया जाए। निवेदन करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।